हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। यह क्लासिफिकेशन का पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन किया था, जिसमें हमने पहला टाइप समझा था शब्द समूह पर आधारित प्रश्न, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पहला पार्ट देख सकते हैं। ये देखिए पार्ट टू है, जिसमें हम पहले टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ चार शब्द दिए गए हैं, चारों शब्दों में से हमें अलग शब्द का पता लगाना है। पहला शब्द देखिए बल्ब और फिलामेंट, दूसरा शब्द है पत्ता और फूल, तीसरा शब्द है पेंसिल और सीसा, चौथा शब्द है फल और बीज। तो देखिए पहला शब्द बल्ब और फिलामेंट। तो देखिए फिलामेंट कहाँ होता है, फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर। दूसरा शब्द देखिए पत्ता और फूल, पत्ता देखिए पेड़ का भाग है, इसी तरह फूल जो है दोस्तों वो भी पेड़ का भाग है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए पेंसिल और सीसा। तो देखिए सीसा कहाँ होता है, सीसा होता है पेंसिल के अंदर काले कलर का। चौथा शब्द देखिए फल और बीज। तो देखिए बीज भी कहाँ होता है दोस्तों, बीज होता है फल के अंदर। तो देखिए तीन शब्द में हमें समानताएं मिल रही है। पहला शब्द बल्ब और फिलामेंट, फिलामेंट बल्ब के अंदर है। तीसरा शब्द देखिए पेंसिल और सीसा, इसमें भी देखिए सीसा पेंसिल के अंदर है। चौथा शब्द देखिए फल और बीज, तो देखिए बीज भी फल के अंदर है। लेकिन जो दूसरा शब्द है पत्ता और फूल, तो देखिए फूल जो है पत्ता के अंदर नहीं है दोस्तों, तो इसमें ये गलत कॉम्बिनेशन है। तो देखिए पत्ता जो है पेड़ का भाग है, इसी तरह फूल भी पेड़ का भाग है। तो जो अलग शब्द हमें देखना है वो कौन सा होगा, दूसरा शब्द होगा पत्ता और फूल। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है शनि ग्रह। तो देखिए शनि एक ग्रह है, ये सही है। दूसरा शब्द देखिए सूर्य तारा, सूर्य एक तारा है, ये भी सही है। तीसरा शब्द है टाइटन उपग्रह, देखिए टाइटन एक उपग्रह है शनि का, ये भी सही है। चौथा शब्द है मिल्की वे तारामंडल, तो देखिए मिल्की वे तारामंडल नहीं है, ये क्या है गलत ऑप्शन है। तो देखिए मिल्की वे क्या है, मिल्की वे एक आकाशगंगा है। तो हमें इन चारों में जो अलग शब्द देखना था वो कौन सा शब्द होगा, चौथा शब्द होगा मिल्की वे तारामंडल। देखिए तीन शब्द सही दिए गए हैं, पहला शब्द शनि ग्रह मतलब शनि एक ग्रह है, ये सही था। दूसरा शब्द है सूर्य तारा, सूर्य एक तारा है, ये भी सही था। तीसरा शब्द है टाइटन उपग्रह, देखिए टाइटन एक उपग्रह है, ये भी सही था। लेकिन जो चौथा शब्द है मिल्की वे और तारामंडल, देखिए मिल्की वे तारामंडल नहीं है, मिल्की वे है आकाशगंगा। तो चौथा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द लिखा है चौक और स्लेट। तो देखिए स्लेट में लिखने के लिए हम चौक का उपयोग करेंगे। दूसरा शब्द है कलम और स्याही, तो देखिए कलम भी अलग है और स्याही भी अलग है। तीसरा शब्द है पेंसिल नोटबुक, तो देखिए नोटबुक में यदि हमें लिखना है तो हम पेंसिल का उपयोग करेंगे। चौथा शब्द है स्केच पेन और ड्राइंग बुक, तो देखिए ड्राइंग बुक में लिखने के लिए हम स्केच पेन का उपयोग करेंगे। तो देखिए तीन में हमें समानता मिल रही है, पहला शब्द चौक और स्लेट, तो देखिए स्लेट में लिखना है तो हम चौक का उपयोग करेंगे। तीसरा शब्द देखिए पेंसिल नोटबुक, नोटबुक में लिखना है तो हम पेंसिल का उपयोग करेंगे। चौथा शब्द है स्केच पेन और ड्राइंग बुक, तो देखिए ड्राइंग बुक में लिखना है तो हम स्केच पेन का उपयोग करेंगे। लेकिन जो दूसरा शब्द है कलम और स्याही, ये अलग शब्द है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है चूहा और छिद्र, तो देखिए चूहा कहाँ रहता है, चूहा रहता है छिद्र में। दूसरा शब्द है मनुष्य और मंगल ग्रह, देखिए मनुष्य मंगल ग्रह पर नहीं रहता, ये गलत हो गया। मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य रहता है पृथ्वी पर। तीसरा शब्द देखिए एस्किमो इग्लू, देखिए एस्किमो जो रहता है दोस्तों वो इग्लू में रहता है। चौथा शब्द है पक्षी और घोंसला, तो देखिए पक्षी कहाँ रहता है, पक्षी रहता है घोंसले में। तो देखिए तीन शब्दों में समानता मिल रही है, पहला शब्द चूहा और छिद्र, चूहा छिद्र में रहता है। तीसरा शब्द देखिए एस्किमो इग्लू, एस्किमो इग्लू में रहता है। चौथा शब्द है पक्षी घोंसला, पक्षी घोंसला में रहता है। लेकिन जो दूसरा शब्द है मनुष्य और मंगल ग्रह है, तो देखिए ये गलत शब्द है दोस्तों, मनुष्य कहाँ रहता है, पृथ्वी में रहता है, और ये दूसरा शब्द हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है बॉल और बैट, तो देखिए बॉल भी अलग है और बैट भी अलग है। दूसरा शब्द है मटका और जल, तो देखिए जल कहाँ होता है, जल होता है मटके के अंदर। तीसरा शब्द है कप और चाय, तो देखिए चाय कहाँ होती है, चाय होती है कप के अंदर। चौथा शब्द है बोतल और वाइन, वाइन को कहाँ रखते हैं, हम बोतल में रखते हैं। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, दूसरा शब्द मटका और जल, जल मटके के अंदर होता है। तीसरा शब्द कप और चाय, देखिए चाय भी कप के अंदर होती है। चौथा शब्द बोतल और वाइन, तो देखिए वाइन बोतल के अंदर होती है। तो तीन शब्दों में समानता मिली, लेकिन जो पहला शब्द है बॉल और बैट, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है फरवरी, तो देखिए फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। दूसरा शब्द है जून, जून महीने में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। तीसरा शब्द है अप्रैल, देखिए अप्रैल महीने में भी 30 दिन होते हैं। चौथा शब्द है नवंबर, नवंबर महीने में भी 30 दिन होते हैं। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, देखिए जून में महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, अप्रैल महीने में भी 30 दिन होते हैं और नवंबर महीने में भी 30 दिन होते हैं। लेकिन जो फरवरी महीना है दोस्तों, उसमें 28 और 29 दिन होते हैं, तो अलग शब्द कौन सा होगा, फरवरी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है छत, दूसरा शब्द है खिड़की, तीसरा शब्द है दरवाजा और चौथा शब्द है कमरा। देखिए इन चारों शब्दों में जो अलग शब्द है दोस्तों वो कौन सा शब्द है, चौथा शब्द है कमरा। कमरा क्यों अलग है, देखिए कमरे में क्या होगी, कमरे में छत भी होगी, कमरे में
खिड़की भी होगी और कमरे में दरवाजा भी होगा। तो चौथा शब्द जो है दोस्तों कमरा, ये चारों में अलग शब्द होगा। देखिए जैसे कि छत, छत एक अपने आप में अलग है, खिड़की भी अलग है और दरवाजा भी अलग है, लेकिन जो चौथा शब्द है कमरा, कमरे के अंदर आपको छत भी मिलेगी, खिड़की भी मिलेगी और दरवाजा भी मिलेगी। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन कमरा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है पहिया, दूसरा शब्द है ब्रेक, तीसरा शब्द है गाड़ी और चौथा शब्द है सीट। तो इन चारों में जो अलग शब्द है वो कौन सा शब्द है दोस्तों, गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी के में आपको क्या मिलेगी, गाड़ी में मिलेगा आपको पहिया, पहिया भी मिलेगा, ब्रेक भी मिलेगा और सीट भी मिलेगी। तो इन चारों शब्दों में जो अलग शब्द है वो कौन सा शब्द है, तीसरा शब्द है गाड़ी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहिया अलग चीज है, ब्रेक भी अलग चीज है और सीट भी अलग चीज है, लेकिन गाड़ी के अंदर ये तीनों चीज मिलेंगी, पहिया भी मिलेगा, ब्रेक भी मिलेगा और सीट भी मिलेगी। तो हमारा जो अलग शब्द है वो कौन सा है, गाड़ी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, पहला शब्द है आलू, आलू देखिए जमीन के अंदर निकलने वाली सब्जी है। दूसरा शब्द है प्याज, प्याज भी जमीन के अंदर निकलने वाली सब्जी है। तीसरा शब्द है गाजर, गाजर भी जमीन के अंदर निकलने वाली सब्जी है। और चौथा शब्द है गोभी, गोभी देखिए जमीन के ऊपर निकलने वाली सब्जी है। तो देखिए तीन शब्दों में समानता मिल रही है, आलू, प्याज और गाजर, ये तीनों सब्जी दोस्तों जमीन के अंदर निकलती हैं, लेकिन गोभी सब्जी जो है जमीन के ऊपर निकलती है। तो जो अलग शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा, गोभी, यही हमारा आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है घबराना, घबराना क्या है, घबराना एक मानसिक क्रिया है। दूसरा शब्द है कांपना, कांपना क्या है, कांपना एक शारीरिक क्रिया है। तीसरा शब्द है सोचना, सोचना भी एक मानसिक क्रिया है। चौथा शब्द है डरना, डरना भी एक मानसिक क्रिया है। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, घबराना, सोचना और डरना, ये तीनों क्या है दोस्तों, मानसिक क्रियाएं हैं, लेकिन कांपना एक शारीरिक क्रिया है। तो जो अलग शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा, कांपना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द साइकिल, साइकिल कहाँ चलती है, साइकिल चलती है रोड में। दूसरा शब्द है बस, बस भी देखिए रोड में चलती है। तीसरा शब्द है कार, कार भी रोड में चलती है। चौथा शब्द है हवाई जहाज, हवाई जहाज देखिए हवा में चलता है। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, साइकिल, बस और कार, ये तीनों रोड पे चलते हैं लेकिन हवाई जहाज हवा में चलता है। तो जो अलग शब्द होगा वो क्या होगा, हवाई जहाज होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है मुर्गी, मुर्गी क्या है, मुर्गी एक पक्षी है। दूसरा शब्द है गाय, गाय एक पशु है। तीसरा शब्द है भैंस, भैंस भी एक पशु है। चौथा शब्द है बकरी, बकरी भी एक पशु है। तो देखिए तीन शब्दों में समानता मिल रही है, गाय, भैंस और बकरी, तीनों क्या है, पशु हैं, लेकिन मुर्गी एक पक्षी है। तो जो अलग शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, मुर्गी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, पहला शब्द है आंख, दूसरा शब्द है ललाट, तीसरा शब्द है गर्दन, चौथा शब्द है जान। देखिए पहला शब्द है आंख, आंख देखिए ये कमर के ऊपर का अंग है, तो आंख हो गया कमर के ऊपर का अंग। दूसरा शब्द है ललाट, ललाट भी देखिए कमर के ऊपर का अंग हो गया। तीसरा शब्द है गर्दन, गर्दन भी देखिए कमर के ऊपर का अंग हो गया। चौथा शब्द है जांघ, जांघ देखिए ये कमर के नीचे का अंग है। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, पहला शब्द है आंख, दूसरा शब्द है ललाट, तीसरा शब्द है गर्दन, ये तीनों कमर के ऊपर के अंग है, लेकिन जांघ देखिए कमर के नीचे का अंग है। तो जो अलग शब्द होगा वो कौन सा होगा, जांघ होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द गर्भाशय, दूसरा शब्द फेफड़ा, तीसरा शब्द हृदय और चौथा शब्द है कमर। तो देखिए पहला शब्द है गर्भाशय, गर्भाशय देखिए ये शरीर का भीतरी अंग है, गर्भाशय शरीर का भीतरी अंग है। दूसरा शब्द है फेफड़ा, फेफड़ा भी शरीर का भीतरी अंग है। तीसरा शब्द है हृदय, हृदय भी शरीर का भीतरी अंग है। और चौथा शब्द है कमर, कमर देखिए शरीर का बाहरी अंग हो गया दोस्तों। तो देखिए कमर बाहरी अंग है, तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, गर्भाशय, फेफड़ा और हृदय, ये तीनों शरीर के भीतरी अंग हैं, लेकिन कमर शरीर का बाहरी अंग है। तो जो अलग शब्द होगा वो कमर होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है बिल्ली, बिल्ली एक मांसाहारी जीव है। दूसरा शब्द है कुत्ता, कुत्ता भी एक मांसाहारी जीव है। तीसरा शब्द है लोमड़ी, लोमड़ी भी एक मांसाहारी जीव है। चौथा शब्द है हाथी, हाथी एक शाकाहारी जीव है। तो देखिए तीन शब्दों में दोस्तों हमें समानता मिल रही है, बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी, ये तीनों क्या है, मांसाहारी जीव है, लेकिन हाथी एक शाकाहारी जीव है। तो अलग शब्द हो गया हाथी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है रक्त और लाल, तो देखिए रक्त लाल रंग का होता है। दूसरा शब्द है दूध और सफेद, दूध सफेद रंग का होता है। तीसरा शब्द है पत्ता और हरा, तो देखिए पत्ते हरे रंग के होते हैं। चौथा शब्द है बाल और काला, तो देखिए बाल काले रंग के भी होते हैं और कुछ समय बाद ये सफेद रंग के हो जाते हैं। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है,
पहला शब्द है रक्त और लाल, तो देखिए रक्त लाल रंग का है, ये सही है। दूसरा शब्द है दूध और सफेद, दूध सफेद रंग का होता है, ये भी सही है। तीसरा शब्द है पत्ता और हरा, तो देखिए पत्ते हरे रंग के होते हैं, ये भी सही है। चौथा शब्द है बाल और काला, तो देखिए बाल काले रंग के भी होते हैं और सफेद रंग के भी होते हैं, तो अलग शब्द हो गया दोस्तों ये चौथा शब्द बाल और काला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है जल और कुआं, जल कुआं से मिलता है, ये सही है। दूसरा शब्द देखिए बीज और पृथ्वी, बीज हमें पृथ्वी से मिलता है, ये भी सही है। तीसरा शब्द देखिए ग्रह और आकाश, ग्रह आकाश से मिलता है, ये गलत है। चौथा शब्द देखिए कोयला खान से, तो देखिए कोयला हमें खान से मिलता है, ये भी सही है। तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, जल कुआं से मिलता है, ये सही है, बीज पृथ्वी से मिलता है, ये भी सही है, कोयला खान से मिलता है, ये भी सही है, लेकिन ग्रह आकाश से मिलता है, ये गलत है और यही अलग शब्द हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है शहद मीठा, देखिए शहद मीठा होता है, ये सही है। दूसरा शब्द देखिए मिर्च तीखी, मिर्च तीखी होती है, ये भी सही है। तीसरा शब्द देखिए नमक खारा, नमक खारा होता है, ये भी सही है। चौथा शब्द देखिए दूध कड़वा, दूध कड़वा होता है, ये गलत है। तो देखिए तीन शब्दों में हमें समानता मिल रही है, शहद मीठा है, ये सही है। दूसरा शब्द देखिए मिर्च तीखी है, ये भी सही है। तीसरा शब्द देखिए नमक खारा है, ये भी सही है, लेकिन दूध कड़वा है, ये गलत है, ये अलग शब्द होगा दोस्तों और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, पहला शब्द है ट्रैक्टर और खेत, तो देखिए ट्रैक्टर और खेत दोनों क्या है, निर्जीव है। दूसरा शब्द देखिए टेबल और कुर्सी, तो देखिए टेबल और कुर्सी ये दोनों भी निर्जीव है। तीसरा शब्द है साइकिल और मोटरसाइकिल, तो देखिए साइकिल मोटरसाइकिल ये दोनों भी निर्जीव है। चौथा शब्द है मनुष्य और शिशु, तो देखिए ये दोनों जीवित हैं। तो देखिए तीन शब्दों में समानता मिल रही है, ट्रैक्टर खेत, टेबल कुर्सी, साइकिल मोटरसाइकिल, ये तीनों क्या है, निर्जीव है, लेकिन मनुष्य और शिशु ये दोनों क्या है, जीवित हैं दोस्तों, तो ये अलग शब्द हो जाएगा, मनुष्य और शिशु, यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।